देखिए ऐसा है कि युग कोई सा भी आ जाए, सत्य को निलंबित किया जा सकता है, बर्खास्त नहीं किया जा सकता। सत्य सत्य ही है, सत्य नवनीत की तरह है। यदि हम दही का मंथन करते हैं तो जिस तरह से नवनीत तैर करके ऊपर आ जाता है, ठीक इसी तरीके से सत्य हमेशा छिछलेपन के ऊपर तैर करके हमें बाहर तैरता हुआ दिखाई देगा और उसकी आभाक से झूठ अपने आप ही रेखांकित हो जाएगा। युग कोई भी हो, सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। ये नहीं है कि वो भाजपा और कांग्रेस में दिखाई दे, और श्रोताओं का भी ये काम नहीं है कि वो भाजपा और कांग्रेस बनके कवि को सुनाए। जिस समाज ने कविता को अगर राजनीतिक दलों के चश्मे से सुनना चालू कर दिया और कविता को कवियों ने राजनीतिक चश्मे से सुनाना शुरू कर दिया तो वो समाज मर जाता है, वो कवि मर जाता है और वो कविता मर जाती है। इसलिए कवि को सदैव एक सचेतक की भूमिका में होना चाहिए, जो इस समाज के एक सचेतक का काम करता है, राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं की तरह काम नहीं करना चाहिए। आज नगर निगम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वे कवि बुलाए जाएँ जो कविता के पक्षधर हों और जो सचेतक की भूमिका में हों। मैं नगर निगम को बधाई देता हूँ, खासकर उसके उपाध्यक्ष जी पारस जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसे कवियों का चुनाव किया जो कविता के झंडा बरदार हैं, ना कि किसी राजनीतिक एजेंडे को लेकर के मंच पर आते हैं। अरे मुकेश बाबू,